ये ठंडी हवा चली पर रेट बढ़ गए हैं। रेट बढ़ गए, बहुत बढ़ गए हैं। इतवार का भी तीन है तो मुंह फाड़ते हैं। तो आज क्या रेट है? बनाता है बहुत मुनासिब पैसे, अच्छी जो बनाता है इसने बहुत हमारी अच्छी मच्छी बनाई है और झींगे भी बनाए। ये देखो कौन सी मछली है, इसका मुंह भी देखो, इसका कलर हरा है। ये गंगा मच्छी है, गंगा मच्छी है भाई, गंगा मच्छी है। और ये लांचों में से देखें, माल आ रहा है, झींगा आ रहा है और मछलियाँ आ रही हैं। ज़्यादातर इस लांच में झींगा है और इन लांचों में से जो है ना माल आ रहा है। वो देखें फिश आ रही है ताज़ी ताज़ी, समंदर में से ताज़ी ताज़ी फिश आ रही है और फिशों को जो है ना लेके आगे लोड किया जा रहा है। ये देखें इस लांच में जो है ना सारी मछली है, वो देखें। और ये देखें इस तरह सुजुके में लोड फिर किया जाता है, ये रहा। और ये देखें ये स्टोरों में इस तरह जारी होती है मछली, स्टोरों में ये लोग फ्रीज करते हैं, उसके बाद दुकानदार भी लेके जा रहे होते हैं। और ये आ रही होती हैं इस तरह टोकरियों में, छलियों में आ रही होती हैं और इस तरह जो है ना ये लोग लेके जा रहे होते हैं। देखें आ रही है ताज़ी ताज़ी। देखिए यहाँ पे भी जो है ना यही लाठियाँ लगी हुई हैं, शादियाँ लगी हुई। अच्छा इनके पास थोड़े से बड़े दाने भी पड़े हैं, ये देखें। और ये पतली कौन सी मछली पड़ी है, सांप की तरह, ये देखिए, ये तो काफ़ी बड़ी बड़ी है। इधर भी छाबियाँ लगी हुई हैं, ये देखें ये कौन सी मछली निकाल रहे हैं इन्होंने। ये फ्रीज़र रखे हुए और फ्रीज़र में जो है ना ये देखें मछली का गोश भी जो है ना ये फ्रीज किया जाता है इस तरह। ये देखें ये पैकिंग होती है इस तरह जो है ना बाहर जाता है। अच्छा अलग अलग रेट हैं सबके, अलग अलग रेट हैं। कोई इस मछलियों के दो जोड़े के 3500 ये मांग रहे हैं, वहाँ पे 2800 मांग रहे थे, कोई 2400 मांग रहा है। सबके रेट अपने अपने हैं, इधर आके डीलिंग करनी पड़ती है जिससे जिसकी जो बात हो जाए। हर बंदा अपने अपने रेट मांग रहा है, अपनी अपनी दुकान लगाई है सब। और ये देखिए यहाँ पे भी जो है ना मछलियाँ सजा हुई, छोटी छोटी सी मछलियाँ। और ये देखिए यहाँ पे भी लगी हुई, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज संडे का दिन है और हम पहुँच आए इब्राहिम हैदरी फ़िश मार्केट में। और इब्राहिम हैदरी फ़िश मार्केट में आप आएँ, इधर से मछली माशाल्लाह ताज़ी ताज़ी ये देखें आ रही होती है। ये सारे सामने आपके सामने लगे हुए, ये सारे मछली आ रही है ताज़ी ताज़ी। और इधर ही से लोग, कुछ लोग इधर से लेके जा रहे होते हैं, आगे आगे जो है ना मंडी भी लगी हुई है। ये देखिए ये सिप्पियाँ उतार रहे हैं ताज़ी ताज़ी, ये देखें सिप्पियाँ उतार रहे हैं, केकड़े निकाल रहे हैं और ये इस तरह जो है ना मछलियाँ निकाल रहे हैं और जेली मछलियाँ। और आज हमने बड़ी सारी चीज़ें तो देखी, जिंदा केकड़े और काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी, और मार्केट के रेट भी बहुत अच्छे हैं। तो चलें मार्केट के रेट भी लेते हैं आपसे, ऊपर ऊपर मार्केट है पूरी फिश मार्केट और उसके रेट लेते हैं। तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। देखें लोग आ रहे हैं मछलियाँ लेके, और ये देखिए लगी हुई है बेचने वाले, देखें कौन कौन सी मछली है। ये देखें भाई ये वाली मछली मिल जाएगी 300 रुपये किलो, और ये वाली ये 350, ये 350 रुपये। इसका क्या नाम है भाई? दंदिया, ये दंदिया है 350 रुपये और ये 300 रुपये मिल जाएगी। अच्छा जी ये यहाँ पे पड़ी हुई अलग अलग मुश्का पड़ी हुई है, दंदिया पड़ी हुई है, ये लाटे बनाई हुई हैं इन्होंने, ये लाट दे देते हैं 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, छाबी दे देते हैं पूरी, इसमें दो दो एक एक किलो दली हुई होती है, ये इस तरह जो है ना भेज देते हैं। और ये दे ये पापलेट है, और ये देखें पापलेट भी पड़ी हुई है इनके पास। अच्छा जी ये वाली मछली यहाँ पर बड़ी पड़ी हुई, ये क्या रेट है इससे भी पता करेंगे। अच्छा ये पूरी छाबियों का रेट है, छाबी के मांग रहे हैं 2000 रुपये, 1000-1200 रुपये में दे देंगे। इसमें कितना माल होगा? इसमें होगा 6 किलो 5 किलो, 6 किलो 5 किलो माल होगा। अच्छा ये वाले दाने कितने का है? ये दाना मांग रहे हैं 1500-1000 में देते हैं भाई, ये दाना मांग रहे हैं 1500, 3.5 किलो का 4 किलो। कौन सी मछली कौन सी है? सिल्वर, सिल्वर की मांग रहे हैं। अच्छा इस छाबी के 500 रुपये की, ये टोकरी पड़ेगी 500 की, ये भी टोकरी पड़ेगी 500 की। और भाई ये वाली टोकरी, ये सुरमा, ये लाल पोश वाली, ये कितने की टोकरी? पूरी 2000 मांगते हैं, 1000 में देते हैं। ये पूरी टोकरी के 2000 मांगते हैं, सुरमई लाल वाली 1000 रुपये में देंगे। ठीक है ठीक है। और ये वाली भाई,
ये रोहू असल एक नंबर, रोहू एक नंबर, एक नंबर रोहू है। ये कितने की? ये 15 मानता हूँ, 900 में देते हैं। ये 800 में 900 रुपए में ये आदि दे देते हैं पूरी टोकरी, और उस टोकरी में वजन होता है 5 किलो 6 किलो, ये देख लो। और ये सुरमई, वही लाल गोश वाली, सुरमई लाल गोश वाली, ठीक है। बाकी इन्होंने टोकरियाँ रखी हुई, पैसे ज़्यादा मांगे, और लोगों से भी पता करते हैं आज की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे रेट आज? आज रेट बहुत हाई फाई है, बहुत ज़्यादा। पहले आम दिन में क्या रेट था? पहले तो कम था, 400-500 में टोकरा मिल जाता था, टोकरी यदि मिल जाती थी इस तरह की। आराम से 300-400। आज क्या मांग रहे हैं? आज मांग रहे 2000-1500। अभी मेरी बात करिए तो बोल रहे हैं कि 1000 रुपए में 800 रुपए में दे देंगे। हाँ, वैसे आम दिन में 400-500 रुपए का आराम से मिल जाता था आम दिनों में। अभी 2 दिन के बाद आएंगे, माल सस्ता कर देंगे। माल सस्ता, आज इतवार का दिन है, इतवार का दिन है, चेल पे लेना, इस चक्कर में इस वजह से सारा मसला सही। अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार का दिन है तो भाई इस वजह से थोड़े से रेट ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा है, और बाकियों से भी पता करेंगे। ये देख लें भाई, ये कौन कौन सी पड़ी है, ये वाइट पापलेट है, कौन सी? और आगे हम नदीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम भाई, आरम भाई, ये कौन सी है? इसको कहते हैं हम लोग पापलेट, जलेबी पापलेट। जलेबी पापलेट जी, जलेबी पापलेट। इसका क्या दाम है भाई? सर ये तो 800 रुपए किलो है। हाँ ठीक है। छाबी का क्या रेट है? छाबी जो है ये 3500 रुपए की है। हाँ, ये 1500 रुपए का दाना हम 1200 का चला रहे। दाना 1200 का चला रहे जी। जी वजन कितना होगा? वजन इसका तकरीबन 2.5 किलो से 3 किलो का दाना है। 2.5 किलो से 3 किलो का दाना है। हाँ, और ये वाली? ये किलो 1.5 किलो के दाने। ये 1.5 किलो के दाने। इसका क्या रेट हो जाएगा छाबी का? ये अगर लमसम में लोगे तो लमसम में आपको मैं फाइनल 2500 रुपए लगा दूंगा। 2500 रुपए ठीक है। और इसका लमसम में? ये लमसम में लोगे 3500 रुपए हो जाएंगे। 3500 रुपए। और ये कौन सी है भाई? ये घिंगड़ा, घिंगड़ा धोतर। झिंगड़ा धोतर। हाँ, ये क्या रेट पड़ जाएगी छाबी? ये तो 250-300 रुपए किलो चलती है। सही है, 250-300 रुपए। झींगा भाई? झींगा ये 800 रुपए किलो है। यार नदीम भाई, ये महंगा नहीं है झींगा? छोटा झींगा है, रेट ज्यादा नहीं है? नहीं, झींगा ये चल रहा है, ये सही, क्योंकि ठंड में झींगा होता है शार्क। हाँ, इसीलिए उसके रेट बढ़ गया। बड़ा वाला झींगा 1000 रुपए में चल रहा है? नहीं, बड़ा वाला जो झींगा है ना। हाँ, वो तकरीबन आपको 1500-2000 रुपए किलो मिलेगा। अच्छा जी, इतवार की वजह से महंगा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इतवार की वजह से ठंड के हिसाब से माल कम आ रहा है। अच्छा, ठंड इस वजह से महंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये देखिए ये क्या लेके जा रहा है भाई एक। ठीक है नदीम भाई, ठीक है, ठीक है जी, ओके। अच्छा ये देखिए, पीछे कटाई वाले भी बैठे हुए हैं, 150 रुपए लेते हैं सफाई के। ये मेरा भाई है, किलो पे लगाया। अच्छा, क्या ले मेरे भाई ने? अच्छा, और बहुत पैसे जायज दिए? पैसे जायज दिए। क्या दिए कटाई के? मुख्तलिफ मछलियों के मुख्तलिफ पैसे दिए। अच्छा, अब मैं आपको ऐसे बताऊंगा तो फिर वो पूरा हिसाब किताब करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन पैसे बारह इसके जायज है पैसे। ठीक है भाई, ठीक है। ये देखिए कौन सी मछली लेके जा रहा है भाई? ये संग्रो, संग्रो, संग्रो। ये देखो ये मछली कौन सी लेके आ रहे हैं? संग्रो। ये देखिए संग्रो पकड़िए, ठीक है भाई, जिंदा ये मछली भाई, जिंदा है संग्रो मछली।